सो फाइनली एक लंबे अरसे के बाद आज वीडियो आ रही है विद फुल स्टार्टिंग फ्रीज एचकेस स्टडी सीरीज। अब जो मेरे पुराने व्यूअर्स है वो जानते होंगे कि मैंने 2 महीने से कोई भी वीडियो नहीं डाली, लेकिन अब मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आप कभी बोर नहीं होंगे। तरीका है भीख मांगने का। तो थंबनेल देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि आप इस वीडियो में किस टॉपिक पे और कौन सी वीडियो देखने वाले हैं। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं पिरामिड के सीक्रेट फैक्ट्स जो कि आपको शॉक कर देंगे। नंबर 1, सबसे पहले ये कि क्या आपको पता है पिरामिड ऑफ गीजा की हाइट कितनी है? अभी तक के सर्वे के अनुसार गीजा की हाइस्ट पिरामिड की हाइट 138 मीटर है, जो कि बुर्ज खलीफा के सामने 6 गुना कम है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए जिंदगी। लेकिन ये तो माननी पड़ेगी कि 5000 साल पहले इतनी बड़ी मॉन्यूमेंट और आर्किटेक्चर बनाना, वो भी बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के, असंभव था। असंभव, असंभव। नंबर 2, पिरामिड में नेचुरल एसी का होना, चाहे इजिप्ट की टेम्परेचर 50 डिग्री हो या फिर 60 डिग्री हो, लेकिन पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ये आज तक की सबसे रहस्यमयी घटना है जो कि साइंटिस्ट को चैन से सोने नहीं देती। लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके रीजन में टेम्परेचर क्या है। नंबर 3, ये वाला फैक्ट जाने से पहले कहीं पर आप आराम से बैठ जाओ, क्योंकि इससे जानने के बाद मैं तो समझो हिल ही गया था। अब आपका मालूम नहीं, अगर आप वर्ल्ड मैप को फुल जूम आउट करें तो आपको गीजा का पिरामिड एकदम सेंटर में मिलेगा। अब कई सारी थ्योरीज का मानना है कि पिरामिड का सेंटर में होना मतलब इसे एलियंस ने अर्थ पर लैंड या लोकेट करने के लिए यूज करते होंगे। ऐसा मैं नहीं, ऐसा थ्योरीज का कहना है। नंबर 4, पिरामिड का ओरायन बेल्ट से अलाइनमेंट। आपने ओरायन बेल्ट का नाम तो सुना ही होगा। इन स्टार्स और आउटर स्पेस की चीज़ों से पिरामिड का कनेक्शन विश्वास दिलाता है कि इसे एलियंस ने ही बनाया है। नंबर 5, अगर हम मान लें कि पिरामिड को एलियन ने नहीं बनाया है, लेकिन 5000 साल पहले इतने बड़े आर्किटेक्चर को बनाना आज के इंजीनियर्स की बस की बात नहीं है, क्योंकि पिरामिड का हर एक पत्थर 2700 किलो से लेकर 70,000 किलो तक का है। और आज तक के मॉडर्न क्रेन्स बस कंस्ट्रक्शन और लिफ्टिंग में जो यूज होते हैं वो सिर्फ 10,000 किलो तक ही उठा सकते हैं। और इस पिरामिड को बनाने में एक तरह के 23 लाख पत्थरों का यूज हुआ है। अगर हम जनरली देखें तो जब आज के डेट की इतने बड़े मॉन्यूमेंट्स को बनाना असंभव है, तो इतने सालों पहले कैसे? नंबर 5, आप जब भी पिरामिड को फोटोज में देखते होंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखता होगा। ये स्फिंक्स है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल स्टोन स्ट्रक्चर है। इसे अगर आप सामने से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इसे यहाँ पर रखवाली के लिए रखा गया है। इन स्फिंक्स को देखने पर ऐसा लगता है कि ये आधा ह्यूमन है और आधा जानवर है, जैसे कि कुत्ते की तरह बैठा हो लेकिन इंसान की तरह मुंह हो। और इतनी बड़ी सिंगल स्टोन स्ट्रक्चर बनाना इतने सालों पहले मुमकिन कैसे हुआ, ये आज तक रहस्य है। यही सारी बातें हैं पिरामिड्स के सीक्रेट्स के बारे में, जो कि आज के साइंटिस्ट को सोने नहीं देते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप यहाँ पर कभी बोर नहीं होंगे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।